नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। 22 और 23 अगस्त 2024 को गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में नायब सिंह सैनी से लेकर मनोहर लाल खट्टर, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, कुलदीप बिश्नोई से लेकर कैप्टन अभिमन्यु और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े चेहरे शामिल रहे। गुरुग्राम में हुई इस बैठक में आगामी वक्त में टिकट वितरण को लेकर के चर्चाएं हुई। खबर यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है। इसके साथ साथ कई ऐसे चेहरे भी हैं जो कि यहां पर टिकट की दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन बड़े चेहरे होने के नाते, कैबिनेट मंत्री होने के नाते भी अब उनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर और विपक्षी दल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर, सुनिए जरा। दो दिवसीय चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और काफी नाम भी थे उनके ऊपर भी, अभी तो प्राथमिक तो उसके ऊपर चर्चा हुई है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करेंगे। कितने नाम से पैनल में वो बताएंगे? सभी 90 सीटों के ऊपर भारी संख्या के अंदर। और किस प्रकार से इनकी सरकार में थानों में, भाइयों, वहां पर जो लोग प्रति पीड़ित लोग थे वो थाने में जाते थे, उनको नाम पूछ करके किस प्रकार का निर्णय वो करते थे उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैं हुड्डा साहब का पूरा हिसाब लेकर के आपके बीच में आया हूँ। वो तो बताने का काम नहीं कर रहा, परंतु मैं बताने का काम कर रहा हूँ। तो आपने सुना, नायब सिंह सैनी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। लेकिन गुरुग्राम में हुई इस बैठक ने सवालों को जन्म दे दिया है। राव इंद्रजीत सिंह करीब 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार में और मनोहर लाल खट्टर के साथ कैबिनेट में सहयोगी रहे राव नरबीर सिंह को लेकर के बड़ी खबर यह है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है। ऐसे में यदि बादशाहपुर सीट से राव नरबीर सिंह की टिकट कटती हुई नजर आती है तो यहां पर राव नरबीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी में जाने के संकेत भी साफ कर दिए हैं और उन्होंने कहा था पिछले दिनों कि यहाँ पर नांगल चौधरी से लेकर और पलवल तक दक्षिण हरियाणा में एक एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी तरस जाएगी। अब देखना ही होगा कि दिग्गज नेताओं की नाराजगी क्या पार्टी संगठन पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।